ओके सो इट्स डे टू इन शिरडी। अभी यहाँ से निकल रहे शनि शिंगणापुर के लिए। टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 10:49, मतलब 11 बजे गए निकलते। सोचा तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, बट नाश्ता वाश्ता किया यहीं पे और अभी निकल रहे शनि शिंगणापुर डायरेक्ट। यहाँ से 2 घंटे लगेगा, वहाँ से दर्शन करके फिर पुणे होके जाएंगे मुंबई। बट यहाँ पे ना एक साई बाबा जी का ये था अपना, कल क्या देखा था, थीम पार्क। शिरडी का थीम पार्क था जिसके अंदर साई बाबा का पूरा जो कहानी है ना, मतलब वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है। बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा चाहिए, तो उतना टाइम तो था नहीं कल हमारे पास। और सोचा था हम आज सुबह जाएंगे, बट अभी भी लेट हुआ है तो शायद से वो स्किप करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। थैंक यू, आई नेक्स्ट टाइम पण येऊ। आमच्या मॅक्सला यायला चालेल ना? चल चलो, मैक्स की सेटिंग तो यहाँ पर भी हो गई। जहाँ पे भी जाते हैं ना, मैक्स सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो क्या परेशान नहीं करता है, एक अच्छी बात है उसकी। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ पहले पता नहीं था कि शिरडी इतना अच्छा है। मैं तो वही सोच के चल रहा था कि जैसे पहला शिरडी था वैसे ही है, उधर क्या जाके करेंगे। बट नहीं यार, यहाँ पे एटलीस्ट 2 दिन चाहिए, मतलब आज का दिन एक्स्ट्रा रहता ना तो आज पूरा शिरडी एक्सप्लोर करते थे सुबह से, फिर मज़ा आता था। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़्यादा दिन रहने के लिए। ये देखो, ये बस जाएगी सीधा शिरडी रेलवे स्टेशन। वो बात तो आपको बताना ही भूल गया, शिरडी रेलवे स्टेशन यहाँ से दूर है थोड़ा, मतलब 3-4 किलोमीटर रहेगा मेरे हिसाब से, पीछे के साइड है। तो यहाँ से आपको एक तो रिक्शा करनी पड़ेंगी, ऑटो, नहीं तो फिर ये जो ट्रैक्स वाले लोग हैं ना वो लेके जाते, या फिर ये बस। ये बस शायद फ्री में छोड़ती है, तब फ्री में छोड़ती थी, हाँ अभी का पता नहीं है। मतलब रेलवे स्टेशन से लेके मंदिर तक का सफ़र जो है वो फ्री। तो हम क्या करते थे पहले कि रेलवे स्टेशन से वो बस पकड़ो, यहाँ पे आओ, और फिर यहाँ से एसटी स्टैंड से एसटी पकड़ के रावरी फैक्ट्री। ओके सो अभी शिरडी से निकल के ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया, 30 किलोमीटर के यहाँ पे आया रावरी फैक्ट्री, जहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मैं कॉलेज में था, 9 साल पहले मैं पास आउट किया, और 2010 से लेकर 2014 4 साल यहाँ पे रहा हूँ रावरी फैक्ट्री में। तो ये देखो, ये एरिया है वो, और कहाँ पे रहा था, कॉलेज क्या था वो भी दिखा था, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो निकिता और सिद्धि को दिखाया कि मैं कहाँ पे रहता था, अभी आपको भी दिखा देता हूँ। बेसिकली एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर का घर है जिसके नीचे उसने हॉस्पिटल बनाया था, और उधर हमें रूम दिए थे रहने के लिए। ये देखो, ये दिख रहा है लारे क्लिनिक, ये हमारा घर था, महसूस होता भगवत ला रहे हैं। ये देखो, ये हमारा था, ये यहाँ पे हम रहते थे। ये पहला वाला रूम बिपिन का था, ये पहला वाला रूम बिपिन का था, ये खिड़की दिखते थे, हाँ बिपिन और आदेश रहते थे यहाँ पे, और अंदर जाके जो था ना वो सब हमारे रूम थे अंदर। तो कोई भी ब्लॉग देख रहा है, बिपिन, लकी, पांडे, कोई भी, सब लोग यहीं पे रहते थे। मुंबई के जितने भी पब्लिक थी सब यहीं पे रहते थे, मज़ा आता था। और यहाँ पे जाते थे हम लोग चाय पीने के लिए, दादूस का चाय। काय बोलतोय ना, आता जातो त्याच्याकडेच। ये देखो कोणाला, हाँ चहा आणि कॉफी, हाँ तिला द्यायचं होतं तेच, तर्रीवाले पोहे। तिकडे जाऊन असेल तर व्हिडिओ कॉल करतो परत तुला। अरे नाही, तो बंद झाला मला वाटतं, दिसला नाही समाधान, हां तिथे पेट्रोल पंप आलं काहीतरी। नाही नाही, इथे लकी को व्हिडिओ कॉल किया, और ये लकी रहता था यहाँ पे, तो बस घूमने आए थे। यहाँ पे मैं था लहरे वहरे देख लिया, अभी लकी का रूम देख रहा हूँ। मजा आता था यार यहाँ पे, एक बार आते हैं यहाँ पे। सॉरी, मजा आया था, बहुत मजा आया था, सगळे जण येऊया एकदा। काय लाइफ का पूरा एन्जॉयमेंट निकाल लिया मैंने वहाँ पे। हाँ आणि इकडे आत्मा जाऊन तुझा रूम। यहाँ पे हम लोग चाय पीते थे, नाश्ता वाश्ता करते थे। वो शॉप तो बंद हो गया, एक तो बंद हुआ है वह, या फिर उसने कहीं और जगह पे खोल दिया है, मुझे तो दिखा नहीं, आराम से देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में इसलिए देखा नहीं, बट ये कॉलेज मुझे दिखा। ये देखो कॉलेज का एंट्री यहाँ से है, कॉलेज का गेट, छत्रपति शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अंदर जाके देख सकते, अंदर जाके देखते हैं, शायद से बंद हुआ है कॉलेज,
और ये यहाँ पे नीचे जाके हमारा सब स्टेशनरी वेशनरी मिलता था, यहाँ पे भी साइबर कैफे रहता था। मज़ा आ रहा है यार देखने, सब देखते हैं अंदर जाके देखते हैं। ये देखो ये हमारा कॉलेज था, श्री छत्रपति शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो देखो वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये यहाँ पे कहीं पे हमारा फाइनल ईयर का क्लासरूम था, और यहाँ पे सारे लैब्स और वहाँ पे लाइब्रेरी। इनको दिखाने के लिए लाया था ये दोनों को। देखो इतना सारा ओपन एरिया था, वहाँ पे कुछ क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे भी ग्राउंड था खेलने के लिए, और वहाँ से एंट्री। अच्छा लग रहा है, बट अभी बंद हुआ है कॉलेज, अभी यहाँ पे कोई है नहीं कॉलेज में, पूरा खाली पड़ा हुआ। तो अभी थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चले जाएंगे यहाँ से। हाँ देखो मैक्स भी आया था कॉलेज देखने के लिए, ये देखो सामने ही है। और यहाँ पे फ्लैग लगाया करते थे हम लोग, बट अभी सब निकाल दिया है। अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे आके, हाँ ऐसे कुछ मेमोरी ऐसा लग रहा कि यार 9 साल के बाद वापस आके वही लाइफ जीना कॉलेज में आके, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन सारे दोस्त मिल के आएंगे, लकी पांडे जितने भी सारे दोस्त, जितने भी लोग आ सकते हैं ना, सबको भर के लेके आएंगे। एक दिन यहाँ पे स्टे करेंगे जहाँ पे आप पहले रहते थे, अगर वहाँ पे स्टे करने मिला तो और ही अच्छा है। और फिर वहाँ पे आके एक दिन के लिए वापस वो जो लाइफ था ना, वो वापस वैसे ट्राई करेंगे जी के, मज़ा आएगा बहुत। चलो अभी जाते हैं वापस। अरे इधर आके ना ऐसा लग रहा है कि वापस में वो, हाँ वो एज में चला गया जब मैं कॉलेज में आता था, बट वो टाइम पे यहाँ पे आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये एक ग्राउंड है जहाँ पे हमारा क्रिकेट मैचेस होते थे, यहाँ पे सब लोग बैठ के क्रिकेट देखते थे। यहाँ पर भी वो एरिया को मोटा है, हाँ यहाँ पे तो हेलीपैड बना दिया था, कोई तो मिनिस्टर आने वाला था तो उसके लिए 7 दिन लगा के हेलीपैड बनाया था, खेलना विलना सब बंद, बट उसके बाद वो आया ही नहीं, कैंसिल हो गया उसका आना। ये देखो ये यहाँ पे सिक्योरिटी का केबिन, बट यहाँ पे कोई बैठता नहीं था, ये गेट ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं थे लोग, जिनके पास कार होती थी बाइक होती थी वही आते थे, हम लोग तो चल के आने वाले लोग थे तो वही उधर से आते थे, या फिर उसके पीछे एक दीवार है वो दीवार कूदो तो डायरेक्ट कॉलेज में एंट्री, वो वहाँ से आते थे। और वो वहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वो जो पूरी लाइन दिख रही है ना अभी सब गिर गया, उसके ऊपर छप्पर ऊपर सब उड़ गया देख। कितने बड़े नर्सरी, अभी शनि शिंगणापुर यहाँ से 5 किलोमीटर है, जल्दी आए, जहाँ से मेरा कॉलेज था वहाँ से कुछ 20-25 मिनट पे था, बीच में एक जूस पिया और फिर डायरेक्ट शनि शिंगणापुर। ये देखो ये हमें लेके जा रहे हैं अभी पार्किंग के लिए। तो एक्चुअली जहाँ पे हम लोगों ने जूस पिया था ना वहीं पे ये लोग मिले, उन्होंने इधर कांटेक्ट करके बोल दिया कि गाड़ी आने वाली है भाई, इसका पार्किंग का देख ले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क करने के लिए। ये लग गई अपनी गाड़ी, ये यहाँ पे रही सियाज, मम्मी पापा तो गए अंदर, अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे फिर बाद में जाएंगे। तो अभी शनि शिंगणापुर आए थे, पहुँच गए मतलब ऑलमोस्ट, दर्शन करने जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा ऐसा बोल रहे हैं, और मम्मी पापा भी 15-20 मिनट में दर्शन करके आ ही गए। तो ये सब लेके घूम रहे हम लोग, तो ये शनिदेव को अर्पण करना है एंड फिर खाना वगैरह खा के रिटर्न। ये देखो वो वहाँ पे मंदिर है, मेन मूर्ति वहाँ पे है और वहाँ से लोग पैर करते हैं। ये प्रसाद लिया है, निकिता बोल रही बहुत ही अच्छा, और हमने भी खाया एक्चुअली, ये नारियल से बना हुआ है तो अच्छा। सारा सामान हमने यहाँ से लिया था, 11 नंबर स्टोर, शॉप नंबर 11, और ये नाम। जीपे हुई का, जीपे हुई। देखो एक सियाज यहाँ पे लगी थी और अपनी गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी, पार्किंग के लिए भी अच्छा है, देखो इतने सारे स्पेस है पार्किंग के लिए, और हर दुकान के सामने ऐसे तो मिल ही जाएगी। हाँ मतलब पहले अगर आपको पता है ना कोई रहता है तो, क्योंकि यहाँ पे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें तो उन्होंने कार्ड दिया था, कार्ड का भी फोटो दिखाता हूँ मैं, उन्होंने कार्ड दिया था तो हम डायरेक्ट यहीं पर आ गए, पार्क कर दिया और फिर हार्डली आधे घंटे में अपना सब काम हो भी गया। ये उसका कार्ड, बालाजी नारा सेंटर,
11 नंबर, इनके सब आप आ रहे हो तो इनको कांटेक्ट कर लो। ये हमारे शनिदेव तो इधर ही बैठे। हाय मैक्सू, उतरो यहाँ पर लगेज। ओके इसका सही है, इधर बैठो, ये पिलो पे सो और आराम करो। बस एसी चलते रहना चाहिए, एसी बंद हुआ तो फिर ये शांत नहीं बैठता है कभी। देखो मैक्स का पोटी राउंड बाकी है, कैसे बैठा है देखो, यहाँ से बैठ के वो देख क्या रहा है गाड़ियाँ। और आज का वेदर अच्छा है, देखो जैसे हम यहाँ पे क्रॉस किए ना, अहमदनगर क्रॉस किए, ये बारिश का बादल दिखना चालू हुआ है। देखो हर जगह वैसा ही है, वेदर अच्छा है। चाय भी अच्छा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। सीनरी देख रहे हो, यहाँ पे मैं स्पॉटिंग करने आया है। ओके तो फाइनली घर पहुँच गए, और घर पहुँचते हमें कितना, 2:30 बजे पहुँचे गए, और अभी टाइम हुआ है 3। ऐसी गंदी नींद आ रही है ना, अभी सोचेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कुछ वीडियो एडिट करे, बट ताकत ही नहीं बची, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, एक जगह पे बैठे तो ऐसा लग रहा है आग बंद करे, जैसे ही आग बंद करूँगा ऐसा लग रहा है कि मैं कार में बैठा हूँ और कार चल रही है, इधर उधर से हिल रहा हूँ। मेरे और निकिता के साथ ऐसे हो रहा है, पता नहीं, थोड़े रेस्ट करेंगे फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब डाउन बिलो, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन रहेगा उसको प्रेस करो, घंटे का बटन दबा दो एंड एक लाइक जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाद में मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉग में। बाय बाय।